हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ज्ञान लोक चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दो वर्ष 2021 की अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं। ये वैकेंसी 22 फरवरी 2021 को एडवर्टाइज़ की गई है। और सबसे पहले इस कैटेगरी में हम ले लेते हैं IGN की वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन। मैं आपको चारों एडवर्टाइजमेंट वन बाय वन शो कर दूंगा। इसके से पहले सबसे पहले आपसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, राजस्थान विद्युत उत्पन्न निगम लिमिटेड, इन सभी पांचों एजेंसीज ने मिलकर 2370 वैकेंसीज डिक्लेयर की गई है, जिसमें कि पर्सनल ऑफिसर, जूनियर लॉ ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, JEN, IEN, IA, जूनियर केमिस्ट, पर्सनल असिस्टेंट, इस तरह की पोस्ट इसमें इंक्लूड की गई हैं। और सभी में जो एज क्राइटेरिया है 21 से 40 साल रखा गया है। लेकिन लास्ट 2 ईयर्स में कोई भी वैकेंसी नहीं निकलने से इसे 40 से 42 ईयर्स कर दिया गया है मैक्सिमम एज को। फीस की जहाँ तक बात कर लूँ मैं आपको, फीस यहाँ पर 1600 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए और 1400 रुपये रिजर्व कैटेगरी के लिए रखी गई है। राजस्थान से बाहर वालों के लिए 1600 रुपये ही फीस लगेगी, इंक्लूडिंग GST। और एग्ज़ाम सिटीज़ ज़्यादातर राजस्थान में रखी गई हैं। सिर्फ कमर्शियल असिस्टेंट वाला जो, और JLO और जूनियर अकाउंटेंट वाला जो पेपर, स्टेनोग्राफर्स का, उनके लिए आउट ऑफ राजस्थान भी एग्ज़ाम सिटीज़ रखी गई हैं। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, रिटर्न एग्ज़ाम होगा। रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने होंगे। ठीक है, तो सर इसी क्रम में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर IEN की वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन। फटाफट से हम इसे ब्रीफ कर लेते हैं। देखिए, असिस्टेंट इंजीनियर IEN की वैकेंसी इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, मैकेनिकल ट्रेड, सिविल ट्रेड, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और फायर एंड सेफ्टी में निकाली गई है, जिसका पै मैट्रिक्स लेवल 14 है, काफ़ी अच्छी पे स्केल है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री होनी रिक्वायर्ड है, जो कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में और पावर इंजीनियरिंग में हो सकती है। मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल, थर्मल मैकेनिकल में रिक्वायर्ड है। सिविल वालों के लिए सिविल इंजीनियरिंग, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन में आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग वाले भी इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, यहाँ पर कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर डिप्लोमा, MCA और इंफॉर्मेशन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें इंजीनियरिंग की डिग्री साथ ही, या फिर ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग, इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी हो सकती है। फायर एंड सेफ्टी वाले के लिए 4 साल की फायर एंड सेफ्टी के रूल्स के अकॉर्डिंग, लो AICT के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री फायर एंड सेफ्टी के अंदर रिक्वायर्ड है। डिप्लोमा वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे हिंदी में, देवनागरी लिपिंग में रिटन इन हिंदी आनी आवश्यक है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सिर्फ कंडीशन ये है कि जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उनके पास उनका मार्कशीट उनके हाथ में होनी आवश्यक है। चलिए, अब हम जैसे आपको मैंने बताया है, इसकी सभी में एज 42 ईयर्स रखी गई है, कुछ कंपनीज ने 43 ईयर्स भी रखी हैं। और फॉर्म फिल करने की, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की डेट जो स्टार्ट है वह 24 फरवरी 2021 है और लास्ट डेट 16 मार्च 2021 है। आपको इन डी वी 6 कंपनीज की जो वेबसाइट्स है वहाँ पर जाके ये फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा, जिसकी फ़ीस मैंने आपको बताई है। जनरल कैटेगरी के लिए 1600 रुपये प्लस GST, इंक्लूडिंग GST है ये, और अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए 1400 रुपये रखी गई है। लास्ट डेट का इंतजार किए बिना हमको फॉर्म फिल करना होगा, जिसके लिए फ़ोटो 200x230 पिक्सल के, 250 KB से, 50 KB से ऊपर नहीं हो सकता। इसी तरह सिग्नेचर की जो नॉर्म्स हैं, और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी इसमें अपलोड करना होगा हमें।
ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद में आपको फीस का और ऑनलाइन फॉर्म का दोनों का प्रिंट आउट लेके रखना होगा, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे सबमिट होगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके क्वेश्चन पेपर्स और सिलेबस के बारे में, जिसमें कि क्वेश्चन पेपर दो पार्ट में होगा, 60% वेटेज पार्ट ए का होगा और 40% पार्ट बी का होगा। पार्ट ए के अंदर आपकी इंजीनियरिंग डिग्री में जो 4 साल का जो सिलेबस होता है उसी के रिकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, और 40% वेटेज आपका रीजनल मैथमेटिक्स जीके हिंदी इंग्लिश का होगा। 30% मार्क्स जनरल कैटेगरी को लाने आवश्यक होंगे और 20% मार्क्स रिजर्व कैटेगरी के लिए है। और एग्ज़ाम सीरीज की जहाँ तक बात है, इस पोस्ट के लिए राजस्थान और राजस्थान के बाहर भी एग्ज़ाम सेंटर्स रखे गए हैं, जैसे राजस्थान में आबू रोड, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जोधपुर, जोधपुर कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर में रखे गए हैं, उदयपुर में भी है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में, पंजाब, गुजरात में भी इसके सेंटर रखे, महाराष्ट्र और एमपी में भी इसके सेंटर एग्ज़ाम सिटीज रखी गई हैं। अब हम फटाफट आपको बता देते हैं, ये तो हुई आईएन की बात, इसी के साथ में हम स्टार्ट कर देते हैं जेईएन एंड सूचना सहायक की वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन। देखिए, इस एडवर्टाइजमेंट को भी 22 फरवरी 2021 को ही जारी किया गया है और इसकी भी लास्ट डेट 16 मार्च 2021 रखी गई है। जूनियर इंजीनियर, जेईएन, जूनियर केमिस्ट, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, इन तीनों की डिटेल हम इस में अभी आपको फटाफट बता देते हैं। जेईएन के लिए जो ट्रेड्स हैं वही इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स, कम्युनिकेशन, फायर एंड सेफ्टी, ये ट्रेड्स हैं। जूनियर केमिस्ट की भी 27 पोस्ट तो आपके नॉन टीएसपी की, और लगभग 32 पोस्ट नॉन टीएसपी की, सॉरी इंफॉर्मेटिव असिस्टेंट की 32 पोस्ट इसमें रखी गई है। जहाँ तक सैलरी की बात है, जूनियर इंजीनियर के लिए L10, जूनियर केमिस्ट की L10, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की पे मैट्रिक्स लेवल 8 रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं, वही 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकती है, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल डिग्री, सिविल के लिए सिविल में, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स पावर कम्युनिकेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एट्सेट्रा। एंड इसी तरह फायर सेफ्टी के लिए 4 साल की फायर सेफ्टी के अंदर आपका इंजीनियरिंग डिग्री या फिर डिप्लोमा हो सकता है। जूनियर केमिस्ट की जहाँ तक बात है, जूनियर केमिस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन केमिस्ट्री में रिक्वायर्ड है, या फिर ग्रेजुएशन डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग में भी हो सकती है। इंफॉर्मेटिव असिस्टेंट आईए सूचना सहायक के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर ग्रेजुएशन और हायर ग्रेजुएशन दोनों की डिग्री को, जो कि कंप्यूटर साइंस में हो सकती है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में हो सकती है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जिनके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो सकता है 3 साल का, कंप्यूटर एप्लीकेशन का, आईटी, ये भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जिनके पास डिप्लोमा किया हुआ है नॉर्मली ग्रेजुएट के ग्रेजुएशन के साथ, वो भी इसको फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जिनके पास DOEC का सर्टिफिकेट ओ लेवल और उससे जो हायर सर्टिफिकेट्स हैं वो उनके पास हैं, तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिनके पास कोपा है और DPCS है, वो भी इसको फिल कर सकते हैं। साथ ही फिल करने के इनके स्पीड है जो 20 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिक्वायर्ड है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी फॉर्म भर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे इनके पास इनकी मार्कशीट आ जानी चाहिए। एज क्राइटेरिया वही 42 और 43 रखा गया है। आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लीजिए, किस कंपनी ने 43 रखी और किसने 42 रखी है। फॉर्म फिल करने स्टार्ट करने की डेट ऑनलाइन 24 फरवरी 2021 और लास्ट डेट 16 मार्च 2021 है, जिसमें आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ब्लैक इंक से,
थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट हैंड का ब्रैकिंग से होना चाहिए है, और एक टेक्स्ट आपको हैंड रिटर डालना होगा जैसे भी आपको अपलोड करना होगा। पेमेंट वही 1600 और 1400 रखा गया है। और पेपर्स की हम बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले जेईई की पेपर्स के लिए जिस भी स्ट्रीम में आपके इंजीनियरिंग की हुई है उस स्ट्रीम की आप जिस स्ट्रीम के लिए आपको मांगा गया है उसी स्ट्रीम की इंजीनियरिंग डिग्री का सिलेबस आपका 60% वेटेज का होगा और 40% आपका रीजनल मैथमेटिक्स जीके हिंदी इंग्लिश का होगा। जूनियर केमिस्ट में आपके पास जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री केमिस्ट्री के अंदर है या केमिकल इंजीनियरिंग में आपने ग्रेजुएशन डिग्री की हुई है 60% वेटेज उसका होगा, 40% वेटेज आपका रीजनिंग मैथमेटिक्स जीके हिंदी इंग्लिश का रखा गया है पार्ट बी के अंदर। इसी की तरह हम चलते हैं आपके इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट सूचना सहायक की पोस्ट के रिगार्डिंग। ये एग्ज़ाम दो फेज में होगा, फेज फर्स्ट के अंदर रिटन एग्ज़ाम, फेज सेकंड के अंदर टाइप टेस्ट होगा। फेज फर्स्ट के अंदर दो पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके आएंगे, और पार्ट इसका वेटेज 60% होगा और पार्ट बी का वेटेज 40%, जिसमें जीके हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स रीजनल मेंटल एबिलिटी ये सब इसमें इंक्लूड किया गया है। टाइप टेस्ट फेज सेकंड में होगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग 15 मिनट की करवाई जाएगी। मिनिमम पासिंग मार्क्स 30% एंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 20% रिजर्व कैटेगरी के लिए रखे गए हैं। और एग्ज़ाम सिटीज़ की हम बात कर लेते हैं, इसका एग्ज़ाम भी राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी में इसके एग्ज़ाम सिटीज़ रखी गई हैं। ये तो वही बात आईएएन एंड जेईएन के लिए। इसी के साथ यहाँ पर अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट भी रखी गई है, जो कि अकाउंट ऑफिसर पर्सनल ऑफिसर्स की पोस्ट हैं। चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। 22 फरवरी को ही ये वैकेंसी डिक्लेयर की गई थी। इन दोनों वैकेंसीज़ में सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की। स्टार्ट डेट 24 फरवरी और लास्ट डेट 16 मार्च ही रखी गई है। ये वैकेंसी RVUN, RVPN और JVVN में निकाली गई है। ये देखिए अकाउंट ऑफिसर की ये पोस्ट है, पर्सनल ऑफिसर की 6 पोस्टें निकाली गई हैं। लेवल पे मैट्रिक्स 14 इसका रखा गया है राजस्थान का, राजस्थान के अकॉर्डिंग। अब देखिए अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए आपके पास CA, ICAW, CMA होना चाहिए या फिर MBA होना चाहिए 2 साल का, या फिर PG डिप्लोमा भी चल सकता है इसमें जो कि MBA के इक्विवेलेंट हो फुल टाइम। MCOM भी आपकी यहाँ पे MCOM वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनके पास BCOM भी इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। पर्सनल ऑफिसर्स के लिए मास्टर डिग्री सोशल वर्क, MBA पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पर्सनल मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन में 2 साल का कम से कम होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लेबर लॉ, लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट, HR में 55% के मार्क्स के साथ पास आउट होने चाहिए। एज क्राइटेरिया वही 42 ईयर्स मैक्सिमम रखा गया है। 24 फरवरी 16 मार्च फॉर्म भरने की डेट्स हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट होगा। बाकी इन्फॉर्मेशन सेम एज इट इज़ वही है जो अदर एडवर्टाइजमेंट में आपको बता चुका हूँ। हाँ अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। ये देखिए अकाउंट ऑफिसर के लिए जो सिलेबस रखा गया है 60% वेटेज उनकी जो अकाउंटेंसी की जो नॉलेज है, मैनेजमेंट की नॉलेज है उसके लिए रखा गया है, जैसे कि कॉरपोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, थ्योरी प्रैक्टिस एक्सेट्रा, और 40% वेटेज वही हमारा रीजनल मैथमेटिक्स जीके हिंदी इंग्लिश का रखा गया है। पर्सनल ऑफिसर के लिए 60% वेटेज जो रखा गया है इसमें भी दो पार्ट किए गए, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल ट्रेड डिस्प्यूट्स, फैक्ट्री एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, पेमेंट, ग्रेजुएटी बोनस, वेजेस, मिनिमम वेजेस के बारे में जानकारी, और सेक्शन बी के अंदर HR मैनेजमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं
जैसे कि वेब सैलरी एडमिशन कैरियर सक्सेशन प्लान प्लानिंग इंडस्ट्री डेवलपमेंट इंडस्ट्री साइकोलॉजी इनके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पार्ट बी के अंदर रीजनल मैथमेटिक्स जीके एंड इंग्लिश वो की 40% वेटेज रहेगा इसका। इसमें भी कोई इंटरव्यू नहीं होगा और नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी रखी गई है। अनरिजर्व कैटेगरी 30% मार्क्स और रिजर्व कैटेगरी के 20% मार्क्स मिनिमम लाने आवश्यक होंगे। और जो एग्ज़ाम सिटीज़ हैं इस पोस्ट के लिए अकाउंट ऑफिसर और पर्सनल ऑफिसर के लिए सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ही रखी गई हैं। चलिए हम फटाफट से एक एक और एडवर्टाइजमेंट को हम देख लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने निकाली है, जो कि है असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, जूनियर लॉ लीगल ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट कमर्शियल असिस्टेंट की पोस्टें हैं। इनके लिए भी एज क्राइटेरिया वही 42 साल रखा गया है और फीस क्राइटेरिया वही 1600 और 1400 रुपये रखे गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनकी सैलरी के रिगार्डिंग। पे मैट्रिक्स लेवल L11 असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर के लिए, JLO के लिए L10, अकाउंटेंट के लिए L10, स्टेनोग्राफर के लिए L10 और कमर्शियल असिस्टेंट के लिए L5 रखा गया है। क्वालिफिकेशन जहाँ तक बात है असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर के लिए मास्टर डिग्री सोशल वर्क में या MBA या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा 2 साल का होना चाहिए, जो कि MBA के इक्विवेलेंट हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा लॉ लेबर एंड लॉस लेबर वेलफेयर पर्सनल मैनेजमेंट HR के अंदर हो सकता है। JLO के लिए 3 साल की लॉ की डिग्री उसके पास होनी चाहिए। जूनियर अकाउंटेंट के लिए ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स या BBA हो सकता है। इसके अलावा अगर वो इंटरमीडिएट पास है तो उसमें इंटरमीडिएट एग्ज़ाम ऑफ इंडियन को इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कोलकाता का IPCC उसके पास होना चाहिए, या फिर MBA होना चाहिए 2 साल का, या फिर MCOM भी इसमें होना चाहिए। इसके अलावा ये जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं इनके अलावा उसके पास कंप्यूटर का नीचे दिए हुए सर्टिफिकेट में एक सर्टिफिकेट आवश्यक होता है, जैसे कि ओ लेवल या उससे ऊपर का TOEIC के द्वारा जारी किया जाता है, या नीलाइट का कंप्यूटर कंसेप्ट सर्टिफिकेट, या फिर कोपा DPCC, या फिर उसके पास कोई जो डिग्री है डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट है वो भी इसमें वैलिड है। इस सीनियर सेकेंडरी के साथ में एडिशनल जो एक सब्जेक्ट है वो आपका कंप्यूटर का हो सकता है, या डिप्लोमा किया हुआ हो सकता है, या फिर RSCIT वाले भी एलिजिबल हैं। स्टेनोग्राफर की हम बात कर लेते हैं, ग्रेजुएशन डिग्री उसके पास होनी चाहिए कम से कम, उसके साथ ही उसके पास ऊपर दिए गए जितने भी कंप्यूटर के सर्टिफिकेट्स हैं उनमें से कोई ना कोई एक सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। सेम यही क्राइटेरिया जूनियर असिस्टेंट कमर्शियल असिस्टेंट के लिए रखा गया है, जिसमें कि मिनिमम पास उसको सीनियर सेकेंडरी तो होना ही चाहिए, साथ में दिए गए कंप्यूटर सर्टिफिकेट में से कोई एक सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। एज क्राइटेरिया वही है 42 और 43 वाला, कुछ कंपनी ने 43 रखा है, ज़्यादातर 42 ही है। और इस फॉर्म को फिल करने की डेट स्पेशली आप ध्यान दीजिए, इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट की जो फॉर्म फिल करने की डेट है 2 मार्च 2021 से 22 मार्च 2021 रखी गई है। बाकी जितनी वैकेंसीज की हमने अभी तक बात की थी उन सभी में जो फॉर्म फिल करने की डेट थी वो 24 फरवरी से लेकर के 16 मार्च तक की थी, लेकिन यहाँ पर 2 मार्च से 22 मार्च रखी गई है। फीस वही 1600 और 1400 रखी गई है। ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। अब हम इसकी बात कर लेते हैं वेजेस के बारे में, कितना कितना वेटेज किस किस सेक्शन का होगा। ये देखिए असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर का जो पेपर होगा उसके 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए का भी पार्टीशन किए हुए सेक्शन ए सेक्शन बी सेम वेजेटी जैसे कि पर्सनल ऑफिसर के किए हुए थे वही सिलेबस है पूरा, और 40% आपका रीजनल मैथमेटिक्स जी के हिंदी इंग्लिश का होगा। JLO की जहाँ तक बात करते हैं 60% वेटेज आपका CRPC CPC एविडेंस एक्ट लिमिटेशन एक्ट और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसके बारे में रखा गया है पार्ट बी के अंदर, रीजनल मैथमेटिक जी के हिंदी इंग्लिश के रखे गए 40% वेटेज उसका है। जूनियर अकाउंटेंट में भी सेम 60% वेटेज आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इनकम टैक्स कॉस्ट अकाउंटिंग थ्योरी प्रैक्टिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कि आपके अकाउंट्स के पेपर होते हैं उसका रखा गया है। 40% वेटेज आपका रीजनल मैथमेटिक जी के हिंदी इंग्लिश का रखा गया है। स्टेनोग्राफर में ये आप देख लीजिए 40% वेटेज, 2 फेज में एग्जाम होगा,
फर्स्ट पे रिटन टेस्ट, सेकंड टेस्ट, सेकंड जो होगा वो फेस वो आपका टाइप टेस्ट का होगा। 40% आपका रीजनल मैथमेटिक्स जीके हिंदी इंग्लिश का रखा गया है, और सेकंड जो फेज है उसके अंदर 60% वेटेज आपका शॉर्ट एंड और टाइप टेस्ट का रखा गया है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही आपको देना होगा शॉर्ट एंड और टाइप टेस्ट। जूनियर असिस्टेंट गवर्नमेंट असिस्टेंट के लिए भी फेज फर्स्ट में 40% वेटेज आपका रीजनल मैथमेटिक जीके हिंदी इंग्लिश का होगा, और 60% वेटेज आपका स्पीड टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट का रखा गया है। और इस फॉर्म के फिल करने की लास्ट डेट मैं आपको दोबारा बता दूँ, 22 मार्च 2021 लास्ट डेट है, और ये फॉर्म स्टार्ट होगा 2 मार्च 2021 से। और इसके लिए भी राजस्थान के अलावा राजस्थान, दिल्ली, NCR, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, MP में भी सेंटर्स रखे गए हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फॉर्म फिल करने से पहले इस एडवर्टाइजमेंट्स को अच्छी तरह स्टडी कर लें और सभी डॉक्यूमेंट्स पेपर रखें और बिना लास्ट डेट का इंतजार किए फॉर्म फिल करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।